अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF एंड LCM दोनों एक साथ फाइंड आउट करना सीखेंगे 84 एंड 156 के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है सबसे पहले हम इन दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका HCF और LCM दोनों किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 84 के। और प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। यहाँ हमारे पास 84 है, 84 के लास्ट में 4 यानी कि इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अभी भी 2 से वैल्यू डिवाइड होगी, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अभी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से 21 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को यहाँ हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। अब इसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 156 के। 156 के लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में लेकिन 15 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 14 और वो आता है 7 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। लास्ट में अभी भी हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड होगी लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है जो कि आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 8 के पास और ये बन गया 18। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। अब लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये अब मजीद 2 से डिवाइड हो सके। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या 39 3 से डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करें 3 प्लस 9 और वो बनेगा 12। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के डिजिट्स प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 3 प्लस 9 वो बनेगा 12, 12 3 का मल्टीपल है इसलिए ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 9 पे। 13 है, आपको पता है खुद प्राइम नंबर है, 13 को इसलिए हमें 13 से ही डिवाइड करना है। 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका LCM और HCF किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 84 के। ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ 84 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। ये तमाम जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 84 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 156 के जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से हमें कॉमन फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सी एफ जो है मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये दोनों में सेम है। देखिए यहाँ 2 है जो कि दोनों में 2 का पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है। यहाँ एक और बार 2 का पेयर बन रहा है, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक ही बार लिखना है। यहाँ पर एक 3 का भी पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिखना है। उसके अलावा यहाँ और कोई पेयर बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। तो जब हम कॉमन फैक्टर हमने निकालिए, इन सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। तो चलिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 3 इज 12 मीन्स हमारा जो HCF है वो आ चुका है 84 एंड 156 का और वो है 12। ठीक है, अब LCM के लिए हमें क्या करना है। LCM सेम वैल्यूज के हम LCM किस तरह फाइंड आउट करेंगे, और हम डायरेक्टली LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने HCF फाइंड आउट कर लिया है। तो आपको पता है LCM फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिनके पेयर्स बनते हैं उनको हम एक एक बार लिखते हैं। एक यहाँ पे 2 का पेयर बना, एक और यहाँ पे 2 का पेयर बना, एक और एक यहाँ पे 3 का पेयर बना। उसके अलावा क्या करते हैं हमें LCM में, जिनके पेयर्स नहीं बने, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जितने हमें ऐसे नंबर नजर आ रहे हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना, उन सबको हम कॉपी कर लेते हैं जब हम LCM फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जब HCF फाइंड आउट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं फैक्टर्स को लेते हैं जिनका पेयर बनता है। ठीक है, और जो बाकी रह जाते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, उनका कुछ नहीं करते। लेकिन LCM में क्या करते हैं कि जिनका पेयर बनता है उन्हें एक एक बार लिखते हैं, और वो तमाम फैक्टर जिनका कोई पेयर नहीं बनता उनको भी हमने एज इट इज कॉपी करना होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 7 एंड 13। ठीक है, अब हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमें पता चल जाएगा 84 एंड 156 का LCM। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, 12 टाइम 7 इज 84,
84 को यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 13 से, वो यहाँ हम साइड में कर लेते हैं। अगर 84 को 13 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं हम, 84 को मल्टीप्लाई 13 से, 3 × 4 = 12 पर 2 1 कैरी, 3 × 8 = 24 प्लस 1 = 25। ठीक है, यहाँ क्या करना है हमें, अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 4 = 4 एंड 1 × 8 = 8। अब कर देंगे हम इन दोनों को प्लस, यहाँ है 2, 9 एंड 10। मीन्स हमारा जो LCM है वो भी आ चुका है और वो है 1092। ये देखिए हमारा 84 एंड 156 का LCM आ चुका है हमारे पास, जो कि है 1092। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।